हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये राउंड इयररिंग बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैंने ये धागा लिया है। वन पॉइंट सेवन फाइव एमएम का क्रोचेट हुक लिया है। राउंड इयररिंग, सुई धागा, मीडियम साइज के क्रिस्टल बीड और ये स्मॉल साइज के बीड्स लिए हैं। सबसे पहले एक नॉट लगा लेंगे। राउंड इयररिंग लेंगे, इसके बीच में से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। ये देखिए, फिर से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ सिंगल क्रोशिया ही लेनी है। इसको बिगनर्स भी बहुत इजीली बना सकते हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए जाएंगे और इस सर्कल को यहाँ तक बना लेंगे। इसमें मैंने 34 सिंगल क्रोशिया ली हैं। आप साइज के हिसाब से रिंग के बढ़ा या घटा सकते हैं। वन चेन लेंगे, इसको घुमाएंगे, सिंगल क्रोशिया के टॉप पर सिंगल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए इस तरह से, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये देखिए, इस तरह से पूरे सर्कल में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये लास्ट वाले धागे को इस तरह से करेंगे, फिर उसके ऊपर से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। इस धागे को कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, यहाँ से हम इसमें धागे को ऊपर की साइड ले लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे, इस पर फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको चिपका देंगे धागे को। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से कंप्लीट है इतना। अब हम इस पर बीड्स लगाएंगे। ये देखिए, मैंने निडल में डबल धागा लिया है। यहाँ से किनारे से इस तरह से नीचे से निडल को ऊपर लेंगे। पहले ये मीडियम साइज़ का बीड लेंगे, फिर स्मॉल साइज का लेंगे, फिर से ये मीडियम साइज का बीड ले लेंगे इस तरह से। अब ये जो चेन है, ये देखिए, यहाँ से हम निडल को अपनी साइड में लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, बीट के नीचे से निडल लेंगे ऊपर की साइड में, धागे को खींचकर अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से,
पहले एक स्मॉल साइज़ का बीड लेंगे, फिर एक मीडियम साइज़ का बीड लेंगे, फिर से हम जो चेन है उसमें से, ये देखिए इस तरह से आप इसमें से भी ले सकते हैं, ये देखिए, और इसके नेक्स्ट में भी ले सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बीड्स बराबर बराबर में आएं, ये देखिए इस तरह से। बीड में नीचे की साइड से निडल को लेंगे ऊपर की साइड में इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में। फिर से हम स्मॉल साइज का बीड लेंगे, फिर ये मीडियम साइज का लेंगे, ये देखिए ऊपर की साइड से इस तरह से अपनी साइड में निडिल को ले लेंगे। नीचे की साइड से ऊपर की साइड में निडिल को लेंगे बीड में, ये देखिए इस तरह से। ये हम पूरे उस पर लगा लेंगे, ये देखिए नीचे की साइड से ऊपर लेंगे, ये सभी बीड्स लग चुके हैं। धागे को अच्छे से टाइट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर हम धागे में नॉट लगा लेंगे, नॉट खुले ना इसलिए हम एक नॉट और लगाएंगे, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। फैब्रिक ग्लू से धागे को चिपका देंगे इस तरह से, ये देखिए। ये देखिए हमारा ईयरिंग्स तैयार हैं। आप इनको साड़ी के साथ, सूट के साथ, किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। ये काफ़ी सुंदर लगते हैं।